और नाबम रोंखी जो हमारा निशी समाज का एक फॉर्मर फर्स्ट एजेंसी काउंसिल मेंबर, उनके यादगार में यहाँ जो टूर्नामेंट, क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन इन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, यहाँ डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, ये मैदान इन्होंने, नाबम रोंखी ने ये मैदान को, ये जगह को क्रिकेट के लिए डोनेट किया है फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो उनके यादगार में यहाँ एक रोस्टम बनाया है, रोस्टम बनाने में हमने थोड़ा मदद किया हमारा लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से, और अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन ने भी साथ दिया है। ये आज एक बहुत ही एक उत्साह हमारे नौजवानों में देखने मिला है इस गेम को, खेल को आगे बढ़ाने के लिए। स्पोर्ट्स का अरुणाचल में बहुत पोटेंशियल्स है, ये हम एक दिन ना तो एक दिन अरुणाचल देश में, यू नो, बाहर में अरुणाचल का नाम करेंगे ही और देश का भी नाम कर सकते हैं। मैंने यहाँ ये एश्योरेंस दिया हूँ, यहाँ एक रोस्टम के साथ एक सिटिंग गैलरी बनाना है, क्योंकि बारिश के दिनों में या धूप में शांति से लोग बैठ सके, खेल देख सके। इसलिए मैंने बोला है कि एक प्रपोजल बनाया जाए, कुछ 5-10 करोड़ का एक प्रपोजल बनाए सिटिंग गैलरी का, और उससे हम लोग को मैचिंग शेयर देके, स्टेट गवर्नमेंट को मैचिंग शेयर देना पड़ता है, और मैचिंग शेयर हम देंगे अपने से, लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से हम खुद देंगे, और ये प्रपोजल दिल्ली में जाके यहाँ अरुणाचल गवर्नमेंट फॉरवर्ड करेंगे, मैं खुद परस्यू करके निकालने की कोशिश करूँगा। इस खेल को आगे बढ़वाना है और उसको हमेशा एक एनुअल इवेंट बना, हर साल इस ऐसा इवेंट को मनाना चाहिए, यही मेरा एक संदेश है। सर, आपने अपने स्पीच में भी कहा कि खिलाड़ी को घमंड नहीं होना चाहिए, खिलाड़ी को दिल से खेलना चाहिए और घमंड नहीं करना चाहिए। तो सर, आपका तरफ से एज ए राज्यसभा एमपी, आपका तरफ से क्या एक अपील और मैसेज रहेगा कि लड़का लोग जो ड्रग्स ये सबसे भी दूर रहो और खेल को सर सीरियस लेके खेलो, ताकि खेल में करियर भी है। बहुत ही बड़ा एवेन्यू है खेल, जो है खेल जगत आज बहुत ही एक बड़ा एवेन्यू है, अपना एक हिडन टैलेंट को, पोटेंशियलिटीज को एक्सप्लोर करने का, एग्जिबिट करने का एक एवेन्यू देता है। इसलिए ये जो ड्रग एडिक्शन है या ये सब गलत एक विचार से छोड़ के लोग, हमारे नौजवानों इसमें पार्ट ले, एक्टिवली पार्ट ले और देश का नाम करे, स्टेट का नाम करे। ये मैं कह रहा हूँ कि खेलो अनुशासन के साथ, हर खेल में, कोई खेल हो, राजनीति हो, हर क्षेत्र में अनुशासन चाहिए। अनुशासन के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। जब अनुशासन नहीं रहेगा, हम लोगों में कमी है, अनुशासन थोड़ा कम है हम लोग में, हम जो है ना बहुत जल्दी गुस्सा आ जाते हैं, हम खेल हार जाते हैं, कभी हारने के बावजूद छील उठा के ले जाते हैं, कप उठा के ले जाते हैं, झगड़ा करते हैं रेफरी के साथ, झगड़ा करते हैं ओपोनेंट टीम के साथ, झगड़ा करते हैं कुछ बहाना बना के। ये आदत को छोड़ना चाहिए, और आप अच्छा खेलते हो फिर भी आपके अंदर खुद गमंदी नहीं होना चाहिए, उसको और आगे बढ़वाने के लिए। जब आपके अंदर गमंदी आ जाएंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसको अंग्रेजी में हम कहते हैं प्राइड गोज बिफोर ए फॉल, यही है। सबसे पहले हम ये धन्यवाद देना चाहूंगा, आज हमारे बीच में नहीं, नाबम लेट नाबम रोंखी वाज द फर्स्ट एजेंसी काउंसिल, उनके द्वारा आज हमारे अरुणाचल में राजधानी, उनके नेतृत्व में, उनके इनिशिएटिव में ईटानगर में कैपिटल राजधानी इस्टाब्लिश हुआ। इसके बदौलत फिर भी हो कैपिटल में उनका कमर्शियल क्या क्या सरकार ने दिया था, लेकिन उसको भी छोड़ के यहाँ या आके रामगत में तारासो या में तारसो में लेके आया, सेटल हुआ। सेटल होने के बाद हम इसलिए आज धन्यवाद देना चाहूँगा, तो उनका साथ हम लोग को इतना एसिमिलेशन जरूर नहीं हुआ, बट देन हम लोग सुनते चौथा से सुन के आके नाबम रोंखी नाबम रोंखी, बट देन लास्ट में हम लोग को देखने मिला हमारा ट्रेडिशनली अपना पुदुम जो ये है ना हेड गियर बोलता है ना, सब कुछ हो गया, लेकिन ही वॉज ए वेरी स्टैंडर्ड इन द स्मार्ट लुकिंग ना। तो उसके बाद ये उनके ध्यान होने के बाद पता लगा कि कहानी बता रहा है कि ये हमारे अरुणाचल का एक आर्किटेक्ट जैसा है, हु हैज बीन द इनिशिएटिव टू एस्टैब्लिश द स्टेट
राजधानी ईटानगर में। तो इस कैपिटल को बहुत सही इनिशिएट हुआ, पासीघाट में हुआ, बासार में हुआ, योचुली में हुआ, एंड अल्टीमेटली नाबम रुंखी इन हिज पर्सनल इनिशिएटिव ईटानगर में सरकार जो है मानना पड़ा, तो मान के सर्वे करके यहाँ हुआ। लेकिन आज वो यहाँ सेटल होते ही उनके द्वारा आज एक जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट में दिया, और उनका बेतालू है, उसका विदोलू है, जैसा माँ पिताजी ने बोल के गया उसको पालन करते हुए आज उनके नाम में नाबम रुंखी के क्रिकेट ग्राउंड बोल के तारसो में आज ये हुआ। उसी दौरान हमारा नाबम रेबिया राज्यसभा एमपी उनके एक आज स्टेडियम, ये क्या स्टेडियम नहीं बोल के ये रास्तुम बनाया। उसके बाद हमारे अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन से भी थोड़ा हम लोग साथ दिया, उन्हें साथ ऐसा करके आज इतना सुंदरता क्रिकेट फील्ड बनाया। तो इसी से हम मेरा तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि नाबम रुंखी का उनका आत्मा शांति रहे, और उनका फैमिली विदो जो हमेशा उनका नाम रोशन रहे, उनका नाम को यादगार के लिए आज हम लोग रस्तुम भी बनाया हुई है। आज इस ओपनिंग के लिए हम लोग विटनेस के लिए आया है। सर, तारसो क्रिकेट एसोसिएशन को आप क्या कहना चाहेंगे जो आज टूर्नामेंट विटनेस के? वही है कि मैं सबसे पहले अरुणाचल ये तारसो का जो क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मेरा एक भाई है याव तायो और नाबम ताकर, उन लोग ने इनिशिएटिव करके ये आज इतना लेवल तक आने पड़ा कि उन लोग जब यदि क्रिकेट का पील में इनिशिएट नहीं करता तो ये पील नहीं होना था। उन लोग इंटरेस्ट है बोल के ने ये नाबम रुंखी जब उनके जिंदा था तो देखिए बच्चा का एरिया का डेवलपमेंट देखिए वो अपना जमीन को फ्री ऑफ कॉस्ट में डोनेट किया। सो देयरफॉर इसलिए हम की बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ तारसो यूथ्स एंड ऑल दी विल विशर को हम तहे दिल से धन्यवाद देना, और ये फ्यूचर का हमारा एक एसेट बन जाता है तारसो या पापुम पारे या अरुणाचल क्रिकेट के लिए ये एक एसेट बन गया। आपका तरफ से क्या अपील रहेगा सर? बहुत सारा लड़का आजकल भी क्रिकेट से नहीं जुड़ रहा है, तो आपका तरफ से क्या अपील रहेगा कि आप लोग क्रिकेट से जुड़ो, क्योंकि क्रिकेट पे सर इसको बहुत ज्यादा है आजकल। मतलब मेरा ये कहना है कि हम जितना भी अभी स्कूलिंग है, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है, और बिना ये क्लास को ये करके ऑफ करके बैठा हुआ है ना, डिसकंटिन्यूज ऑफ देयर स्टडीज, दे शुड ऑप्शन रहना है कि एक खेल कूद में पार्टिकुलर प्रोफेशनल लेना बोल के, जैसे क्रिकेट आप अच्छा लगा तो क्रिकेट में चला जाइए, फुटबॉल अच्छा लगा फुटबॉल में चला जाए। कि अभी एक इंग्लिश में सेइंग है कि हेल्थ इज वेल्थ, आप यदि इस दुनिया में थोड़ा जीना है और फैमिली को शांति रहना है, आप फैमिली हेड होके यदि गुड हेल्थ में रहेगा फैमिली शांति होता है। ये सिर्फ नहीं कि खेल कूद करके बेनिफिट मिलेगा, इस नंबर वन बेनिफिट है हेल्थ के लिए। हेल्थ अच्छा रहेगा, फैमिली अच्छा रहेगा, सोसाइटी अच्छा रहेगा, समाज अच्छा रहेगा, फिर नेशन डिस्ट्रिक्ट ऐसा, हेल्थ इज पर्स ऑफ ऑल, उसका बेनिफिट के लिए हेल्थ कूद करना चाहिए, मेरा वही है। थैंक यू, थैंक यू। ये चीज जो मैंने लास्ट समय भी बोला था आपको, आपका चैनल में भी बोला था कि हम लोग ये जो क्रिकेट को है जितना हो सके रूरल एरियाज में ले जाएगा, ऑन एंड दैट बेसिस हम लोग ये पर्टिकुलरली 14 जोनों एंड 15 सकाली को दो जोन में डिवाइड किया पापुम परे का, तो इसलिए ये 14 जोनों का टूर्नामेंट जो है अभी शुरू हो रहा है, तो उसका दिन कुछ दिन बाद सकाली का होगा। एंड रिगार्डिंग हम लोग यही बोला है कि जितना हो सके जो 14 जोनों का टीम को है नया लड़का स्पेशली 16, 19, 23 का लड़का को खेल, तो ऐसा बोलकर हम ये प्रोग्राम बना रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि ग्रास रूट लेवल क्रिकेट जो अपडेट होता है, जो टूर्नामेंट है ये 14 जोनों प्रीमियर लीग है, तो ये हम लोग तारसो क्रिकेट एसोसिएशन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जो कि आज से लेकर ये 6 नवंबर तक चलेगा। तो ये अंडर द एजिस ऑफ पापुम पारे डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, और इसमें 7 टीम जो एप्लीटेड है डिस्ट्रिक्ट में वो भाग ले रहा है, दिमुख क्रिकेट एसोसिएशन, क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बांदरदेवा, किमिन, गुमतो, संदुपोल्टा, बालीजान, तारसो, ये सब भाग ले रहा है इस टूर्नामेंट में। आज हम लोग का फर्स्ट एवर 14 डेमो का वो प्रीमियर लीग हुआ है, तो साथ ही साथ हमारा नाम उनके क्रिकेट का दस्टम का ओपनिंग भी है। तो आज हमारे राज्यसभा एमपी से नाबम रेबिया जी प्रेसिडेंट टीसी टॉक अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन, सेक्रेटरी नाबम विवेक अरुणाचल क्रिकेट एसोसिएशन, और बहुत लोग आया है, सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारा ये नाबम रुंगी क्रिकेट ग्राउंड हमारे जो नाबम रुंगी साहब ने दिया है ये जमीन फ्री ऑफ कॉस्ट से,
तो ये हम लोग के लिए अच्छा है, बच्चा लोग जो है स्पोर्ट में जो पार्टिसिपेट करना चाहता है या स्पोर्ट को अपना ये लेना चाहता है तो वो लोग आके हमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं।